विधानसभा चुनावों के लिए सोलन विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी डॉक्टर कर्नल धनीराम शांडिल व भाजपा के प्रत्याशी डॉक्टर राजेश कश्यप ने आज अपना अपना नामांकन भरा। दोनों ही नेता शहर में शक्ति प्रदर्शन करते हुए निकले व अपना नामांकन भरा। वहीं जिला सोलन के कसौली विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर राजीव सैजल ने भी अपना नामांकन भरा। वहीं अर्की विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के गोविंद राम शर्मा, कांग्रेस के संजय अवस्थी सहित राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी के कमलेश कुमार ने भी अपना नामांकन दर्ज करवाया। हमारे संवाददाता से बात करते हुए कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर कर्नल धनीराम शांडिल ने बताया कि उन्होंने विपक्ष में होते हुए भी सोलन में करीब 164 करोड़ के विकास कार्य करवाए हैं। उसी दम पर वह जनता के बीच जा रहे हैं। वह निश्चित तौर पर सूबे में कांग्रेस की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस 10 दिन के भीतर ही ओपीएस बहाली सहित महिलाओं के लिए किए वायदे वो नौकरी देगी जो मैनिफेस्टो में वायदे किए गए हैं। उन्होंने कहा, हम विपक्ष में रहने के बावजूद हमें सरकार का इतना सहयोग न मिल सका जितना मिलना चाहिए था। मेरा मानना है कि हम फिर भी उसके बावजूद हमारे इस सोलन शहर की और हमारे पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी की प्रगति में और विकास में कोई अंतर नहीं पड़ा। वो लगातार हम करते रहेंगे। यही कारण है कि जो मैं एज ए चेयरपर्सन अपनी घोषणा पत्र कमेटी का मैनिफेस्टो होने के नाते जो हमने 10 गारंटी दी है वो बार बार हमने कहा है कि हम उसे पूरा करेंगे। मुख्यतः ओल्ड पेंशन स्कीम, हमारी महिलाओं का जो सम्मान निधि जो हम हर महिला को देना चाहते हैं। वहीं भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर राजेश कश्यप ने बताया कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास कार्यों के दम पर जनता के बीच जाएंगे। उन्होंने कांग्रेस के विधायक पर आरोप लगाया कि उन्होंने बीते 5 वर्षों में सोलन का विकास नहीं करवाया है। डॉक्टर राजेश कश्यप ने कहा, आज हमने यहाँ नामांकन पत्र भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में दाखिल किया है। हम भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं और पूरे दमखम के साथ जो है इस बार गांव-गांव तक और शहर के हरेक कोने तक जो है भारतीय जनता पार्टी का संदेश पहुंचाएंगे। निश्चित तौर पर सोलन विधानसभा चुनावों की जंग हर बार प्रदेश में सबसे रोचक होती है, क्योंकि यहां पर ससुर दामाद पक्ष व विपक्ष के उम्मीदवार है। बीते वर्ष भी कांग्रेस के धनीराम शांडिल ने अपने दामाद राजेश कश्यप को पटकनी दी थी। अब देखना दिलचस्प है कि ससुर जुआई की इस चुनावी जंग में कौन बाजी मारता है।